अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर एक अपडेट मिल सके हमारे इस चैनल के वीडियो का सबसे पहले आपको। सबसे पहले हम लोग ड्रा करेंगे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल। मैं आपको कंपास से लेके दिखा रहा हूँ किस तरह से ड्रा करना है। सो उसके बाद हम लोग यहाँ पे दोस्तों इसे हाफ करेंगे। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ मैं कितना सेंटीमीटर ले रहा हूँ। उसके बाद फिर से और एक हाफ करेंगे डायमीटर ड्रा करके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बनाएंगे ईयर्स गांधी जी का। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ ईजिली बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसे नीचे की ओर कुछ इस तरह से लेते आएंगे। उसके बाद यहाँ से इसे मिला देंगे जिससे हमारा शेप गांधी जी का फेस का ईजिली से बन जाएगा। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे कॉइन्स चश्मा बनाने के लिए गांधी जी का। सो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से स्टेप बाय स्टेप गांधी जी का फेस ईजिली हम लोग बना सकते हैं। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 1 रुपी कॉइन। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ पे रख रहा हूँ। बस वैसा ही आपको भी करना है और ये ईजिली से बन जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग नोज़ ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। सो स्टेप बाय स्टेप हमारे इस वीडियो को फॉलो करते रहे और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको सबसे अच्छी लगेगी। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ये चैनल नया है। और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि लेटेस्ट अपडेट मिल सके आपको सबसे पहले। Thank you.
इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सॉफ्ट पेस्टल। सो आप अगर इसे ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चेक करें, मैंने वहाँ पे लिंक ऑलरेडी दे दिया है। सो सबसे पहले हम लोग इसे कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे रब करके, उसके बाद हम लोग अपना हाथ यूज़ करेंगे इसे ब्लेंड करने के लिए। सो स्टेप बाय स्टेप देखते रहें और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। कंप्लीट कर लिया, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, कमेंट करें अपने व्यूज़ कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।